नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। घटनाचक्र में गुप्त वंश का सीरीज चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने 85 प्रश्न किए थे, उससे आगे आज करेंगे। इससे पहले इसका जो वीडियो नहीं देखे हैं 85 प्रश्न का, उसका जाकर देख लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न। प्रश्न है, योग के आविष्कारक थे, तो योग के आविष्कारक पतंजलि थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसायिक थे। कहने का मतलब समसायिक यानी समकालीन थे, यानी कि पतंजलि जो थे किसके दरबार में रहा करते थे, तो शुंग वंश के जो थे पुष्यमित्र शुंग, उनके दरबार में पतंजलि रहा करते थे और वो उनके समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गंगेश और उद्यन। देखिए यहाँ पे मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उद्यन और उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उद्यन को नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंग से जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था को संस्थापक माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी और डी। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुरागमन नहीं हो सकता, पूर्ण जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगा चावर्क के द्वारा। ये कहा गया था कि जब तक जीवित है सुख से जीवित रहे, चाहे इसके लिए क्या ऋण यानी उधार ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर भस्मीभूत हो जाने पर पुरागमन नहीं हो सकता है, पूर्ण जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो चावर्क के द्वारा ये युक्ति बोला गया है। भारतीय दर्शन में चावर्क दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का अर्थ है, जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए या उधार, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनः जन्म नहीं होता, यौ जीवत सुख जीवत ऋण कृतघ्रित पीवेत भस्म भूते से देशे पुनरागमन कुतः। तो ये संस्कृत में ये बोला गया है और ये हिंदी में इसका उसका अनुवाद है। तो ये याद रखेंगे, चावर के द्वारा वो शब्द बोला गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए फिर से प्रश्न को दोहराया गया है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण कौन स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, तो वो हो जाएगा चावर्क। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़, अधोलिखित में से कौन एक चावर्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो वो हो जाएगा काम। कहने का मतलब कर्म। कर्म ही चावर्क के अनुसार क्या है? सर्वोच्च है। चावर्क दर्शन ने भारतीय परंपराओं में स्वीकृत चारों पुरुषार्थ में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चावर्क के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चावर्क दर्शन में सुख से तर्पे इंद्रित सुख से है, यानी कि ज्ञानेन्द्रिय सुख जो होता है केंद्रित है। चावर्क दार्शनिक प्रणाली है, तो चावर्क दार्शनिक प्रणाली हो जाएगा। लोकायात प्रणाली भी इसे कहा जाता है, या फिर भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। तो चावर्क दार्शनिक प्रणाली लोकायात प्रणाली भी होता है। चावर्क दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायात के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन में प्रेरणता चावर्क है। यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन के प्रचारित जो थे वो थे गौतम। न्याय प्रचारित कहने का मतलब होता है तर्क करना, निर्णय करना, विचार करना, ठीक है? तो वो हो जाएगा गौतम ने प्रचारित किया था।
न्याय दर्शन के संस्थापक थे तो गौतम हो जाएंगे। फिर से वही प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे तो ये गौतम हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन ए दोनों का राइट आंसर है। और ये प्रश्न बार बार दोहराया गया है, 2016 में भी आया है और 2018 में भी आया हुआ है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक तो हो जाएंगे गौतम, यहाँ है न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम, सांख्य दर्शन का कपिल, विशेषिक का कनाद और पूर्वी मीमांसा का जैमिनी। तो इसे याद रखेंगे। प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर सूची वन में दर्शन, सूची दो में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए हुए हैं। तो न्याय दर्शन, मीमांसा, सांख्य दर्शन और वेदांत। अभी तक हमने सभी जानते हैं कि न्याय दर्शन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और न्याय दर्शन किससे संबंधित हो सकता है, तो तार्किक चिंतन से संबंधित है। अभी पता है तार्किक चिंतन से संबंधित है, बताया था मैंने। अगर ये नहीं बन रहा है तो देखेंगे, एक ही अगर समझ में आता है तो एक ही पहले लगाएंगे और उसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ए का फोर लगाइए यहाँ पे, ए का फोर, और ऑप्शन में देखते हैं कि ए का फोर कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ है, ए का फोर देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन बी में ही मिलेगा ए का फोर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सही मिलान की बात करें तो यहाँ है न्याय दर्शन का तार्किक चिंतन, मीमांस दर्शन का वैदिक अनुष्ठान, सांख्य दर्शन का वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन का आत्मज्ञान। सट दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। न्याय दर्शन की बात करें और उनके प्रवर्तक दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, पूर्वी मीमांसा के दर्शन जैमिनी, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा का बद्रायन, विशेषिक दर्शन का उल्लुक कनाद मुनि और योग दर्शन का पंतजलि। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शास्त्रों सत्य है, तो वो हो जाएगा मीमांसा। मीमांसा दर्शन में ये बोला गया कि वेद शास्त्रों क्या है, सत्य है। मीमांसा दर्शन वेद को शास्त्रों सत्य मानता है। पूर्वी मीमांसा दर्शन में वेद के कर्म कांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। तो जानते हैं कि एक पूर्वी मीमांसा है और एक उत्तरी मीमांसा है। तो पूर्वी मीमांसा दर्शन में वेद के कर्म कांड और उत्तरी मीमांसा में ज्ञान कांड के बारे में बोला गया है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अपूर्व कहने का मतलब होता है, अपूर्व कहने का मतलब होता है कोई नई वस्तु, ठीक है, कोई नई वस्तु या फिर जिसे आज तक उसे आविष्कार ना किया गया हो, नई खोज, नई चीज़ों के आविष्कार, तो उसे अपूर्व कहते हैं, यानी कि कोई नई वस्तु। तो वो सही आंसर क्या था इसका, ऑप्शन डी मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, तो विशेषिक हो जाएंगे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। विशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से युग्म से कौन सा एक भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है, तो वो लोकायात और कपालिक जो है ये भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है। अगर यहाँ देखते हैं तो मीमांसा और वेदांत, न्याय और विशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय सट दर्शन के भाग हैं। तो जो छह सट दर्शन है वो है मीमांसा, वेदांत अच्छे से याद कर लीजिएगा, न्याय, विशेषिक, सांख्य और योग, ये जो है क्या है, सट दर्शन है, भारतीय सट दर्शन। अवेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, पूर्वी मीमांसा, वेदांत सट दर्शन अस्तित्विक दर्शन कहे जाते हैं। वास्तविक लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, तो लोकायत दर्शन चावार्क को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट।
अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी व्याख्या की बात करें तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य, शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है। तो ब्रह्मसूत्र पर उनका जो भाष्य हुआ था ब्रह्मसूत्र कहलाता है। शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद कहा जाता है शंकर के दर्शन। प्रश्न है, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो वह शंकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार जो मुक्ति हमें मिल सकती है वो है ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। या थोड़ा व्याख्या देखते हैं तो वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञानादेव मुक्ति है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मुत्रा मुतार्थ भोगवा विराग, और ये संस्कृत में जो लिखा हुआ है इसे युक्ति है। जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। तो ये आप लोग अच्छा से इसे पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे? तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन ए सही है। और जो ये प्रश्न है झारखंड पीसीएस में पूछा गया है 2021 में, तो इसे अच्छा से पढ़िएगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी कि निर्गुण नहीं सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, ताकि भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे तथा और इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य, देखिए दो है, एक यहाँ है शंकराचार्य और एक यहाँ है रामानुजाचार्य। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म को क्या? सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान तथा विशिष्ट पूर्ण है और जगत मिथ्या ना होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, ठीक है, कि भक्ति के द्वारा क्या हो सकता है कि ईश्वर में वो समा सकता है। तो इस तरह रामानुजाचार्य उनका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए एक और है, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो वो उनका संबंध जो है अभिनव गुप्त के साथ वेदांत दर्शन का संबंध नहीं है। और ये MPPCS मेंस में आया हुआ प्रश्न 2014 का है, तो ये प्रश्न बन सकता है, तो इसे अच्छे से पढ़। यहाँ देखते हैं तो वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा का प्रकाष्ठ माना जाता है। वेदांत का शब्दार्थिक अर्थ होता है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठ। वेदांत दर्शन तीन आधार के हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थान तय कहा जाता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टावाद, विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन क्षेत्र के तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 1800 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत सन 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग
सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो इसमें देखें तो विक्रम संवत जो 58 में हुआ था, यहाँ 57 में ईस्वी पूर्व रह सकता है तो ये सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी में शुरू हुआ था तो ये सही है। और गुप्तकाल सन 319 ईस्वी, इनके कहने का मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनका जो शासनकाल शुरू हुआ था 319 ईस्वी में, तो वास्तविक जो हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम, तो इससे वो प्रारंभ माना गया, तो ये भी सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी में शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सही है। तो कूट देखें इसमें तो 1, 2, 3 और 4 क्या है, ऑप्शन डी सही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं तो विक्रम संवत 1800 ईस्वी अथवा 5700 ईस्वी तथा शक संवत प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, आप सभी को पता है, लेकिन गुप्त काल प्रारंभ तौर पर गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से हुआ। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, तब आठवीं शताब्दी के प्रारंभ ईस्वी में ही, परंतु मुसलमान शासन युग की बात करें मोहम्मद गोरी जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, तराइन का युद्ध हुआ था सभी को पता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और इस प्रकार क्या हुआ कि चारों जो कथन है सही है। प्रश्न है गधैया था, तो गधैया जो था वो सिक्का था, एक प्रकार का रजत सिक्का था जिसे गधैया कहा गया है। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो वो कृत संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत अथवा विक्रम कैलेंडर की स्थापना की। विक्रम संवत को कृत संवत और मालव संवत के रूप में भी जाना जाता है। तो तीन नाम हो गए यहाँ पे, विक्रम संवत को क्या कहते हैं, कृत संवत और मालव संवत के रूप में भी जाना जाता है, तो दोनों नाम याद रखेंगे। अब भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत और विक्रम संवत का प्रयोग भी किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष होगा। तो शक संवत हम जानते हैं कि जो कुषाण वंश का जो किया था कनिष्क ने, शक संवत की स्थापना हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी, तो हमें 556 जो दिया हुआ है 556 में 78 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ 3 और यहाँ पे 6, तो 634 आएगा, तो 634 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। मोखरी शासकों की राजधानी थी, तो मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज, मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज। मोखरी शासक जो थे, मोखरी शासक वो गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मोखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा एवं ग्रह वर्मा थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है, तो सर्व वर्मन गया तारम पत्र से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये असीर सर्व वर्मन जो है असीरगढ़ से संबंधित है। आगे बात करें ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है, तो ये सही है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है, तो सही है। जीवित गुप्त द्वितीय देव वर्णाक अभिलेख से संबंधित है, तो ये सही है। यानी कि सही सुमिलित कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमिलित नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ये गया त्राम्पस से संबंधित नहीं है, असीरगढ़ से संबंधित है। प्रश्न है गुप्त वंश के पतन से लेकर, पतन यानी गुप्त वंश जब समाप्त हुआ तो पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, ठीक है, उत्तर भारत, कहने का मतलब ये जो भारत का जो क्षेत्र है
यहाँ पे जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो बात करें तो मगध के गुप्त का था, मगध के गुप्त का था, थानेश्वर के पुष्यभूति का था, कनौज के मोखरी का था, और मालवी के मैत्रक का था। तो 1, 3, 4 और 6 जो है यहाँ पे ये सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा व्याख्या देखते हैं, तो गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, थानेसर, थानेश्वर के पुष्यभूति, कनौज के मौखरी, वल्लवी के मैत्रक। और अगर हम पूर्व एवं पश्चिम का विभाजन ना करें, पूर्व का सिर्फ उत्तर का बोल रहे हैं, तो पूर्व अगर पश्चिम का विभाजन ना करें तो केवल क्या होगा, उत्तर एवं दक्षिण का विभाजन किया जाए। तो उस तरह आप देखेंगे तो ऑप्शन बी सही है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 67 BPSC प्री में पूछा गया है। यहाँ देखिए, वानभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखा गया था। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वानभट्ट ने की है। यह वर्धन वंश के इतिहास के प्रमुख स्रोत है। इनमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो पहले थानेश्वर की राजधानी थी, और थानेश्वर के बाद स्थापित करके बदल के कनौज उसने किया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो दो महान धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन किया था सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा, वो हुआ था कनौज और प्रयाग में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। प्रश्न वही है, थोड़ा देखिए। तो उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था, तो यूपी का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रयाग होगा। एक कनौज में करवाया था, एक प्रयाग में। तो उत्तर प्रदेश में वो स्थल हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन जो करवाया था वो हो जाएगा प्रयाग में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका, तो किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की क्या हुई थी, विजय हुई थी। यहाँ थोड़ा हम अगर देखते हैं तो हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी, मतलब हर्ष जब विजय हुआ था पर, तो उसने सोचा था कि राज्य के पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक था। तो और इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रस्तुति एवं हेनसोंग का विवरण इस युद्ध का साक्ष्य है। देखिए फिर से वो प्रश्न रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय वर्ष था, तो 618 ईस्वी उसका विजय वर्ष था। प्रश्न है, हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसोंग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सम्राट हर्ष या फिर हर्षवर्धन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के समय सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत आगमन की, उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। तो इसी उद्देश्य से वो आया था, जो उन दिनों भारत में क्या था, सुलभ थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से
भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। सीयूकी उसने एक पुस्तक भी लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो हैनसोंग हो जाएगा। भारत की यात्रा करने वाले यात्री हैनसोंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है वो बताना है। तो हैनसोंग के अनुसार सड़क और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित थी। तो ये गलत है कि सड़क और नदी मार्ग जो है लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित थी, तो वो सुरक्षित नहीं था। तो कथन ऑप्शन एक गलत है। आगे देखें, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न था तो अग्नि, जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष का निर्णय का साधन थे। तो ये सही है कि अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे दंड के रूप में अग्नि, जल या फिर विष कहने का मतलब जहर से उसे उस परीक्षा से गुजरना पड़ता था। तो ये दो सही है। तीन के बाद कहते हैं, व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, यानी कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो ये भी सही है। तो दो और तीन सही है। तो दो और तीन कहाँ है ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में है दो और तीन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हैनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्थान के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो वो मथुरा जो था सूती कपड़ों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध था नगर। प्रश्न है, कोशे शब्द का प्रयोग किया गया तो गुप्त वंश या फिर गुप्त उत्तर जो काल है उस समय कोशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। तो रेशम सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री हैनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था चीनी यात्री। आज भी भारत में हैनसोंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो हैनसोंग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सी यू की, जिसमें उसने अपने यात्रा वृतांत के बारे में लिखा था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा और यही इसके कारण है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, तो भीनमाल की यात्रा जो की थी हैनसोंग ने की थी, और हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। इसकी पुस्तक भी आप सभी ने देख लिया, क्या है? सी यू की। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी स्वरूप, हुंडी यानी हुंडी की परिभाषा को प्रदर्शित करता है? तो वो जगह विनिमय पत्र, विनिमय पत्र को हुंडी कहा जाता था। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता था। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता था। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता था। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता और सौदे का मूल्य तुरंत ना चुकाकर भविष्य में चुकाता तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख प्रतांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता था। यानी कि कुछ पेपर पे लिख के उसे साख प्रतांक वाला। आधुनिक समय में इस साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा विपत्र के नाम से भी जाना जाता है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इन तू के नाम से भारत का उल्लेख करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो कारण था सभी जानते हैं कि तुर्क शासक जो था बख्तियार खिलजी, जो कि एक मुसलमान था, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, विनाश किया था। तो ऑप्शन ए सही है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन विहार यानी बौद्ध भिक्षु जो रहा करते थे, तो वो हो जाएगा नालंदा, जो कि सबसे प्राचीन है।
गुप्त युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था तो वो था कनौज। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। तो कथन ए सही है। और इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो कारण आर भी सही है, यानी कि कथन यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी यात्री फायान ने कनिक्स द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। तो यह गलत है। चीनी यात्री हैंसोंग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। तो ये भी गलत है। देखिए, चीनी यात्री फायान जो था कनिष्क के दरबार में नहीं आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फयान आया था, तो इसीलिए यह गलत है। और चीनी यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन से मिला था लेकिन उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोध नहीं पाया था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना ही एक और ना ही दो होगा, यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को बताना है। तो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसोंग अयूज ईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। तो ये सही है। और शाम पूर्व यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो शाम पूर्व यात्रा उत्सव सूर्य से पूजा से संबंधित है। तो ये भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। शंकराचार्य के बारे में तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो ये सही है। जैसे हम भारत के विस्तार पर रोक लगाया, तो ये भी सही है। और यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। उन्होंने प्रयाग में तीर्थ राज नाम दिया, तो ये गलत है। और उन्हें वेदांत का प्रचार किया था, तो ये सही है, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए तो शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय बौद्धों एवं जैनों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने पूर्ण स्वरूप भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शन माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, श्रृंगेरी कर्नाटक जो कि दक्षिण में है, द्वारिका गुजरात जो कि पश्चिम में है, तीसरा है पुरी उड़ीसा जो कि पूर्व में है, तथा ज्योतिर्मठ जिसे जोशी मठ उत्तराखंड उत्तर में है। तो इस तरह यह हो गया। प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ हुआ था, केरल में उनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। तो यहाँ देखिए द्वारिका है, जोशी मठ है, लेकिन यहाँ प्रयाग दे दिया तो ये गलत हो गया। या श्रृंगेरी है, द्वारिका है, जोशी मठ, यहाँ प्रयाग दे दिया तो ये गलत हो गया। जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी ये सही है। और पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका, वाराणसी यहाँ दे दिया तो फिर ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो पुरी संबंधित है, द्वारिका भी है, रामेश्वरम भी है, लेकिन मानसरोवर जो है वो 4 धाम में संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए।